हेडिंग लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम. See, Gauss theorem is hypothetical theorem, not a real theorem. It is hypothetical. We may find the electric field intensities of some regular bodies, regular uniform say body using Gauss theorem, like point charge, line charge, linear charge body, cylinder, sphere, not dipole. We come to the Gauss theorem. Two parts we have. One is electrostatics. Gauss theorem is used in electrostatics only. And we come to what? The gravitation. 11th part mein tha na hamara gravitation. So gravitation pe aate hain. तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफ वी हैव चार्ज क्यू तो वी रिप्लेस चार्ज बाय व्हाट मास एम इट इज एम इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इट इज चार्ज बाय लेंथ और डी क्यू बाय डी एल ये डिस्कस किया था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्टिंग में चार्ज डेंसिटी सिमिलरली In case of gravitation, we have lambda what? In place of charge, we have what? Mass. So mass by length or small mass by small length. If we have sigma here, in case of electrostatics, it is charge by area dq by dA. Then in case of gravitation, it is mass by area. It is dm by dA. Electrostatics, rho, charge by volume, small charge by, then in case of gravitation, rho is what? Mass by volume, m by v, that is also what? dm by dv. So, see, if we come to the Gauss theorem, The net electric flux. Electric flux is denoted by phi. We discuss करना है हमें क्लास में तो phi that is integral d phi. D phi is what? The small flux. It is defined for what? The closed surface. Closed surface के लिए हमें इंटीग्रेशन में सर्कल को यूज करना होता है सर्कल इज यूज फॉर व्हाट द क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इन हियर क्यू इन इज व्हाट इट इज चार्ज एनक्लोज्ड विद इन the closed surface like aap sab ko humne charge consider kar liya theek hai and this room is a closed surface the total charge enclosed within the closed surface q1 q2 and so on up to what qn bahar wale charge ko hame consider nahi karna hai so we have to take what total charge enclosed within the closed surface and this closed surface will be what volumetric iska kuch volume hona chahiye like it may be spherical सिलेंडिकल हो सकता है इट मे बी अ क्यूबॉइड तो क्यूबॉइडल सेप हो स्पेरिकल सेप हो सिलेंडिकल सेप हो या कोई भी वॉल्यूमेट्रिक सेप पॉसिबल है बट गॉस थ्योरम में वी हैव टू कंसीडर अ रेगुलर सेप बॉडी
नॉट इरेगुलर, ठीक है, आप इलिप्सॉइड कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो है आप क्लोज सर्फेस लें एंड टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द क्लोज सर्फेस दैट इज वट क्यू इन, तो वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इट इज चार्ज इनक्लोज विद इन वट द क्लोज सर्फेस। तो वी कम टू द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज द इंटीग्रल ऑफ डी फाई ओवर द क्लोज सर्फेस, या क्लोज सर्फेस मस्ट बी वट वॉल्यूमेट्रिक। सी क्लोज सर्फेस मस्ट बी वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक मीन्स इट मे बी स्फेरिकल, इट मे बी सिलिंड्रिकल, इट मे बी क्यूबॉइड। तो दीज आर पॉसिबल क्लोज सर्फेसेस, राइट। ये अभी सिर्फ समझना है, ठीक है। ये गॉस थ्योरम टॉपिक अभी डायपोल करवाया है ना, तो डायपोल के बाद जो है हमने स्टार्ट करना है गॉस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम का एक पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस थ्योरम, ये पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो इनिशियल पार्ट होगा ना, वो सब आपका जो है एकेडमिक्स में यूज़ में आएगा। तो अभी जो भी लेक्चर्स होगा मेरा, 4 लेक्चर्स होगा, तो फील्ड इंटेंसिटी पे होगा, वो IIT एडवांस लेवल तक होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एकेडमिक्स टू एडवांस, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब फ्लक्स को जो हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, व्हाट इज फ्लक्स मैथमेटिकल, ये थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं, मैथमेटिकल पार्ट में। बेटा तू नाउ वी कम टू द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, दैट वाज व्हाट इंटीग्रल डी फाई। सी it is for a closed surface, ये अभी हमने डिस्कस किया था, for a closed surface the value of phi is e dot a, e is what here electric field intensity, and what about a, it is the area vector, here a is the area vector, area एक quantity है जो scalar और vector दोनों ही है। जैसे physical quantities हम बोलते हैं ना, these are scalar और vectors, scalars हों या vectors हों, area is both scalar and vector, और any quantity neither scalar nor vector is called tensor, ठीक है। तो ऐसा भी है, जैसे moment of inertia is what a tensor quantity, distribution जहाँ हो। तो ए इज व्हाट द एरिया वेक्टर। तो हाउ मे बी डिफाइन एन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज एनी लाइन परपेंडिकुलर द सरफेस डायरेक्टेड टू, डायरेक्टेड टूवर्ड्स व्हाट ऑब्जर्वर, लाइक वी कंसीडर दिस सरफेस एंड यू ऑल आर व्हाट ऑब्जर्वर। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एनी लाइन परपेंडिकुलर द सरफेस डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, बाहर की तरफ नहीं लेंगे, ऑब्जर्वर आप हैं, बाहर की तरफ नहीं है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जिस साइड ऑब्जर्वर हो वहीं एरिया वेक्टर आपको कंसिडर करना है। लाइक वी हैव अ डिस्क, दिस डिस्क हैज एरिया व्हाट ए, इट इज एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज वाई कोऑर्डिनेट एंड इट इज व्हाट, दिस डिस्क इज इन व्हाट, इट इज इन एक्स जेड प्लेन, एक्स ये है एंड इट इज व्हाट जेड। तो दिस डिस्क इज इन कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन लेंगे तो ये तो सर्कल हो जाएगा, एरिया वेक्टर क्या होगा आपकी तरफ होगा, ठीक है। और अगर आप वाई जेड प्लेन लेते हैं, इफ़ यू कंसीडर द वाई जेड प्लेन देन द एरिया वेक्टर विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स व्हाट, ये अगर वाई जेड प्लेन है ऑब्जर्वर राइट साइड है,
So it will be directed towards what? X coordinate. So this disk is suppose in what plane? Y z plane. An observer is along X coordinate. It is what? Observer. So any line perpendicular surface directed towards observer. Ye flux mein humne discuss kiya hua hai. It is what? Area vector. Line perpendicular surface directed towards observer will be called area vector. Similarly, if we consider a small surface, like it is a sphere, we consider a small part of a sphere, and the small area is what? dA. This dA is a scalar here. Observer is outside the sphere. So direction of area vector is what? Perpendicular to surface directed towards observer. So it is small area vector. So flux we have what? E dot A. If we consider the small flux for a small area, it is what? E dot dA. You may also write it ADA cos theta. What is theta? It is the theta is the angle between E vector, electric field vector, and what? The area vector. Like we consider a charge here, it is charge Q. Electric field intensity, positive charge se kya hota hai? Diverging. Diverging field humne show kiya, it is electric field E. Here E and dA are in the same direction. Then what is the value of theta? It is 0. So angle between the electric field and area vector is here 0. 0 ho sakta hai, other than 0 koi bhi value ho sakta hai. It may be 90, 180, kuch bhi ho sakta hai. Abhi to applications mein hum aayenge, field intensity find karenge, to wahan jo hai hum geometry mein confirm kar lenge. Theek hai? Then what will be the total value of flux here? Total value ke liye we have to integrate it. Small ko big mein convert karne ke liye kya karte hain hum? Integration. But integration hume kis pe lena hai? Closed surface pe. So integration over the closed surface d phi, that will be equal to what? Integration of a dot dA over what? The closed surface. Then we get the value of what? Total flux. Right? कर लिया है सबने नोट किया. और कोरिलेशन करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन में. और कोरिलेशन मीन्स जो रिजल्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आएगा फील्ड का, सिमिलर रिजल्ट विल बी फॉर व्हाट? द ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऑल दो ग्रेविटेशन फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डेफिनेशंस डिफरेंट हैं, बट मैथमेटिकल वैल्यू जो है एक ही होता है. लेकिन गॉस थ्योरम इज नॉट डिफाइंड फॉर व्हाट? ग्रेविटेशन. बट ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स को सिंपल करने के लिए, जो सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, हम गॉस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हैं टर्म्स को. जैसे मैंने बताया चार्ज को मास से रिप्लेस करना है, चार्ज डेंसिटी को मास डेंसिटी से रिलेट करेंगे. अकॉर्डिंगली कूलम्स कॉन्स्टेंट को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट से कोरिलेट कर सकते हैं. तो यहाँ फॉर्मूले जो मैं बताऊँगा दोनों पार्ट का करवाऊँगा, लेकिन जो है जो रिजल्ट्स हम फाइंड करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और लास्टली जो है उसी रिजल्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? ग्रेविटेशन में. है ना? मिटाऊं? सी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव फाई integral over the closed surface, small flux, total flux we get. It is also what? E dot dA. That is 1 by epsilon naught times N2 charge enclosed. Q in is what? Charge enclosed within the Gaussian surface. And here we have E for what? Space. SP for space. And if we have to get flux in medium, then it will be
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द मीडियम डॉट डी ए वन बाई एप्सिलॉन के, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ व्हाट मीडियम इन टू व्हाट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, वेयर फाइव के इज व्हाट के इंटू एप्सिलॉन नॉट, वी नो के इज व्हाट हियर बताए, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज द रेशियो ऑफ टू परमिटिविटीज, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये. नाउ इफ यू कम टू द ग्रेविटेशन पार्ट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव कूलम्स कॉन्स्टेंट के, कूलम्स कॉन्स्टेंट इज व्हाट 1 by 4 pi epsilon naught, while in case of gravity we replace Coulomb's constant by what g, that is universal gravitational constant. ये मैंने बताया है correlation electrostatics और gravitation का बीच में है ना. तो see 1 by 4 pi epsilon naught may be replaced by what g, then epsilon may be replaced by what 1 by 4 pi g. Now what will be the Gauss theorem for gravitation now? अगर हम consider करते हैं तो here it is, in place of electric field we have what E g. E g is what gravitational field intensity dot d a is equal to 1 by epsilon naught into q naught था ना, तो replace epsilon naught by what 1 by 4 pi g. So epsilon naught is replaced by 1 by 4 pi z into what, in place of charge we have what mass q in hai, electrostatics mein gravitation mein kya hoga I mean mass enclosed, the result will be what 4 pi g I mean. Aur ek cheez ka dhyan rakhna hai, it may be easy or acceleration due to gravity zda, that is also what 4 pi g into mass enclosed. This gravitational field intensity or acceleration due to gravity is independent of what the medium. तो यहाँ electrostatics में medium dependent result होगा, gravitation में जो है it will be independent of what medium. तो e g or g is independent ऑफ द मीडियम, कोई भी मीडियम में हो रिजल्ट का वही होगा आपका है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिपेंड करता है मीडियम पे, ग्रेविटेशन में ये मीडियम का इंडिपेंडेंट होता है. तो चाहे एयर में हो, लिक्विड में हो, या कोई भी मीडियम में हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है, अब जो हम स्टेप्स करेंगे दैट विल बी ओनली फॉर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर वहीं से मैं कोरिलेट करके करवाऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन का होता तो आप चार्ज को किससे रिप्लेस कर रहे होते, मास से. सिमिलर रिजल्ट आप ग्रेविटेशन में फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, किसे नोट कर लीजिए इसको. इजी नोन है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल जी इज व्हाट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इन इज व्हाट मास इनक्लोज्ड, क्यू इन व्हाट चार्ज इनक्लोज्ड, एम इन इज मास इनक्लोज्ड. कर लिया सबने नोट. नाउ राइट स्टेप्स टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्टेप्स टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी using Gauss theorem, electric field intensity using Gauss theorem. इसमें रटना कुछ भी नहीं है, बच्चे रट के जाते हैं. इनिशियली जो derivations करवाऊंगा वो academics के लिए होगा, और बाद में जो भी questions होंगे numerical form में होंगे वो हर जगह work करेगा, competitive to advanced. ठीक है ना. First step, ये स्टेप्स याद रखना है आपको, और यही स्टेप्स यूज़ करेंगे हम.
फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ब्रैकेट में लिखेंगे क्लोज्ड, क्लोज्ड वॉल्यूमेट्रिक सरफेस, क्लोज्ड वॉल्यूमेट्रिक सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, पॉइंट पी वेयर फील्ड इंटेंसिटी, वेयर फील्ड इंटेंसिटी हैज टू बी डिटरमाइंड, वेयर फील्ड इंटेंसिटी हैज टू बी डिटरमाइंड मीन्स जिस भी पॉइंट पे हमें फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, आप गॉसियन सरफेस उसी पॉइंट से लेके पास करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट से होके ही पास होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है गॉसियन सरफेस शुड बी सिमिलर टू व्हाट द चार्ज, जैसे पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज को अगर आप एक्सपेंशन करते हैं उसका अगर मैक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं तो पॉइंट चार्ज विल बी लाइक व्हाट ए स्फीयर, एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया और 3D में अगर इसको ले हम तो कैसा दिखेगा ये स्फेरिकल, तो पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस शुड बी व्हाट स्फेरिकल, ठीक है। फॉर ए स्फीयर स्फेरिकल चार्ज बॉडी हो उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, अगेन इट विल बी स्फेरिकल। फॉर अ लीनियर चार्ज बॉडी लाइक ट्यूबलाइट, इस ट्यूबलाइट को चार्ज कर दिया, लाइन है, सिलेंडर है, इनके लिए गॉसियन सरफेस सिमिलर कैसा होगा, सिलेंडर, सिलिंड्रिकल है ना, लाइन है तो लाइन के लिए सिलेंडर, सिलेंडर के लिए भी क्या होगा, सिलिंड्रिकल, ठीक है। और मान लीजिए वी हैव अ प्लेट, इट इज अ चार्ज प्लेट, तो चार्ज प्लेट के लिए गॉसियन सरफेस आप कैसा ड्रॉ करेंगे, क्यूबॉइडल, सही है। क्यूबॉइड में भी है प्लेन्स, ये प्लेन है ना, तो प्लेन का सामने प्लेन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो सिलिंड्रिकल पॉसिबल नहीं है क्या, सिलेंडर में भी है टू प्लेन्स एंड वन कर्व सरफेस, तो अगर सिलिंड्रिकल प्लेन को आप जो है इसका सामने रखते हैं, प्लेन के सामने, तो ये भी पॉसिबल गॉसियन सरफेस है। कि इफ वी कंसीडर ए क्यूब या क्यूबॉइड और क्यूब, देन वी हैव व्हाट टोटल 6 सरफेसेस। ये गॉसियन सरफेस को कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 6 में। इस रूम को अगर हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करें इट इज कंटेंट ऑफ व्हाट 6 सरफेसेस, तो कैलकुलेशन लेंदी होगा। और अगर जो है हम सिलेंडर को लेते हैं तो सिलेंडर में कितने सरफेसेस हैं, 3, दो प्लेन एंड वन कर्व, 1, 2 दीज आर प्लेन सरफेसेस एंड दिस थर्ड वन इज व्हाट, कर्व। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर चार्ज प्लेट है तो प्लेट के सामने क्या होना चाहिए, प्लेन का सामने प्लेन होना चाहिए, कर्व का सामने कर्व होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज टू बी डिटरमाइंड। तो से वी कंसीडर अ चार्ज हियर, और चार्ज के लिए हम पॉसिबल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, जी फॉर गॉसियन सरफेस। इफ वी हैव पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए कैसा लेंगे आप, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इफ वी हैव स्फेरिकल चार्ज बॉडी तो गॉसियन सरफेस विल बी व्हाट, स्फेरिकल। इफ वी हैव लाइन चार्ज और सिलिंड्रिकल चार्ज, इन दोनों के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। इफ वी हैव प्लेन चार्ज प्लेन शीट तो गॉसियन सरफेस विल बी व्हाट, क्यूबॉइडल। और यू मे ऑल्सो टेक सिलिंड्रिकल, राइट। पॉइंट चार्ज ऐसे, वी हैव अ पॉइंट चार्ज क्यू, वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट व्हाट पॉइंट, पी। मैंने क्या बोला है, विड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज टू बी डिटरमाइंड। तो गॉसियन सरफेस मस्ट पास थ्रू व्हाट पॉइंट पी, इट इज व्हाट द गॉसियन सरफेस, इट इज पॉइंट पी। सी स्फेरिकल, इफ वी हैव अ चार्ज दिस स्फीयर
It is a charge is fair. Charge is what? Q. And we have to find electric field intensity at this point P. So we have to draw Gaussian surface passing through the point P. So P is this. So we draw what? A spherical surface passing through the point P. Yahi hai na? Sphere ka surrounding Gaussian surface kaisa hoga? Spherical hoga. Line or cylinder? If we consider a line charge, say it is a line charge, positively or negatively charged, इसको भी positively या negatively charged हमने कैसा भी consider कर लिया, and we have to find the electric field intensity at this point P. तो मैंने क्या बोला है, draw Gaussian surface passing through the point P. तो ये अगर cylindrical होता, तो Gaussian surface इसका surrounding कैसा लेते आप, cylindrical. तो you draw what, cylinder passing through the point P. तो see, it is a Gaussian surface, Gaussian cylindrical surface passing through what, point P, right? Now we have to come to the plane. Suppose we have a plane charge sheet of infinite area. Suppose it is a plane charge sheet of positively or negatively charged. It has what, infinite area. Now we have to find electric field intensity at what point P. So we must draw a Gaussian surface passing through the point P. Ye to plane hai, to plane ka samne kya hoga? Plane hoga. To cuboidal bhi aap draw kar sakte hain aur cylindrical bhi. Lekin maine bataya jahan surfaces kam ho wo draw karna ideal hai, calculation thoda simple ho jayega. To yahan Gaussian surface hum kaisa draw karenge? Cylindrical. So it is the plane of the cylinder. The Gaussian surface will be passing through point. It is the cylindrical Gaussian surface passing through the point P. तो कोई confusion है? तो जैसा surface दिखने में है वैसा ही Gaussian surface आपको draw करना है. Gravity में भी होता है, तो gravity में भी जो है we replace charge by what? Mass. ठीक है? यहाँ charge density defined है. Suppose charge density here is what? Lambda. Sheet है, sheet के लिए surface charge density भी है. Yeah, charge density is what? Haan, area hai. So charge density is what? Sigma. Ye draw kar lijiye. So ye first step pe work tha. We draw Gaussian surface passing through the point P where electric field intensity has to be determined. Gaussian surface should be volumetric and also similar to the shape of the charge body. To sare hi volumetric hai, point charge and spherical ke liye Gaussian surface are what? Spherical. Line and cylinder ke liye kya hai? Cylindrical. Plane ke liye it may be cuboidal or cylindrical. Plane ka samne plane hona chahiye, bas ye dhyan rakhna hai. Second step, step 2. To firstly hamara left hand side is what? E dot da, integral over the closed surface. तो गॉसियन सरफेस हमें ड्रॉ करना है, इट शुड बी सिमिलर टू व्हाट, चार्ज. तो ये हमारा फिक्स्ड है, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, प्लेन हो, सिलिंड्रिकल होगा या क्यूबॉइड होगा, इतना ही है. नेक्स्ट स्टेप, फाइंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. फाइंड टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस. टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस. जो भी आपने क्लोज सरफेस लिया है उसके अंदर जो भी पॉसिबल चार्ज है वो कैलकुलेट करना है, बाहर वाली चार्ज को हमें कंसिडर नहीं करना है. ठीक है, टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस. और साथ में ही लिखेंगे चार्ज मे बी इन टर्म्स ऑफ, चार्ज may be in terms of, charge may be in terms of charge density, charge may be in terms of charge density. Linear charge density हो, surface charge density हो या volume charge density हो, इनका term में हो सकता है. इसको हम detail में जो है ज़रा work करेंगे, फिर हम third step पे move करेंगे, है ना. See, we have a point charge Q. It is enclosed within the Gaussian surface. Suppose this one is what?
गॉसियन सरफेस। या इनक्लोज चार्ज का वैल्यू क्या है, व्हाट इज इनक्लोज चार्ज हियर, क्यू इन, क्यू इन इज क्यू हियर, ठीक है। बाहर तो कोई चार्ज नहीं, अगर बाहर चार्ज होता तो आप उसको इंक्लूड करते क्या, नहीं करते ना। एक्सटर्नल चार्ज सपोज वी हैव क्यू डैश, इस क्यू डैश को यहाँ इंक्लूड किया हमने, नहीं किया, ठीक है। वी हैव ए स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू, इट इज ए स्फीयर ऑफ चार्ज व्हाट, क्यू, एंड सपोज इट इज द गॉसियन सरफेस, इट इज व्हाट, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ चार्ज इंक्लोज्ड का वैल्यू क्या है, क्यों इस सरफेस के अंदर को तो पूरा का पूरा स्फीयर ही है ना, तो चार्ज इनक्लोज्ड इज अगेन व्हाट, क्यों। नाउ वी कंसीडर अ सॉलिड चार्ज स्फीयर, सपोज वी हैव अ सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, दिस सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर हैज रेडियस व्हाट, आर, and total charge of the sphere is suppose q, total charge is q. So if we consider an external point p, here we have to find what, electric field intensity. So we must draw a Gaussian surface passing through what point, p. So it is what, the spherical Gaussian surface, it is the Gaussian surface उस पॉइंट पी से पास कर रहा है। दिस गॉसियन सरफेस के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, फॉर दिस सरफेस चार्ज इनक्लोज्ड इज व्हाट, क्यू, दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर। पूरा का पूरा स्फीयर ही तो गॉसियन सरफेस के अंदर है ना, बट इफ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, मान लीजिए कि इस वाले पॉइंट पे हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है पी पे, तो वी मस्ट पास द गॉसियन सरफेस टू द पॉइंट पी। तो हमने गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ किया, इट इज द गॉसियन सरफेस नाउ, है ना। तो दिस वन इज ऑल्सो व्हाट, द गॉसियन सरफेस फॉर व्हाट पॉइंट, इंटरनल पॉइंट पी। अब जो है मैंने बोला है कि चार्ज अब बाहर वाले का कंसिडर नहीं करेंगे, वी हैव टू कंसिडर व्हाट, द इंटरनल चार्ज। तो इंटरनल चार्ज इज ऑफ दिस पार्ट, बाहर वाले को तो इंक्लूड करना नहीं है, तो ये हम फाइंड कैसे करेंगे, क्यू इन फॉर द इंटरनल पार्ट। तो सी, मैं एक यहाँ पे जो है आपको ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप यूज करेंगे, है ना। In case of solid sphere, see solid sphere is contained of what, number of thin spherical shells, kai sare shells se bana hai na, sphere solid is contained of what, spherical shells। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्फेयर है ऑफ रेडियस आर, वी कंसीडर ए शेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक शेल हमने कंसीडर किया, इट इज अ शेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस व्हाट, दिस हैज थिकनेस व्हाट, डी आर, है ना। तो व्हाट विल बी द स्मॉल एरिया ऑफ शेल, small area of shell, that is what, dA। अच्छा, एरिया आपको फाइंड करना होता तो क्या करते हैं बेसिकली, जैसे एरिया लेंथ इंटू विड्थ, और वॉल्यूम जो है अगर आपको फाइंड करना हो तो एरिया इंटू थिकनेस। तो ये स्फेरिकल है, ये वॉल्यूमेट्रिक है या एरियल है, इट इज़ वॉल्यूमेट्रिक। सॉलिड का तो आप वॉल्यूम लेते हैं ना, तो इन प्लेस ऑफ एरिया वी हैव टू कंसीडर व्हाट, वॉल्यूम।
the small volume of shell, the dA की जगह we have to take what? dV is equal to. इस रूम का वॉल्यूम चाहिए तो सरफेस एरिया ऑफ द रूम इनटू व्हाट? हाइट. बट एरिया इज शुड बी व्हाट? यूनिफॉर्म. यहाँ तो एरिया यूनिफॉर्म नहीं है ना, एरिया इज वेरिएबल. तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द शेल? स्फेरिकल शेल क्या होता है? स्फेयर का एरिया 4πr² दैट इज 4πr² इनटू थिकनेस ऑफ द शेल इज व्हाट? dr. तो 4πr² इंटू dr दैट इज व्हाट? द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द शेल. ठीक है, तो फॉर सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, आपका लिमिट जो है एकेडमिक्स में यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का है. एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन दे रखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी. बट मैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए ही वर्क कर रहे हैं, है ना. सॉलिड स्फीयर, see what is the charge density, rho is equal to small charge by small volume. So we may write na dq is equal to what? Rho dv. It implies that dq, rho, in place of dv we may write what? 4πr² dr. So 4πr² dr. अब स्मॉल को अगर बिग में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? आप इंटीग्रेट करेंगे. तो फॉर टोटल चार्ज से फर्स्ट वन इज क्यू इन, इट इज इनसाइड द स्फीयर, इट विल बी इंटीग्रल रो 4πr² dr 0 टू रेडियस आर. लिमिट शुड बी व्हाट? 0 to smaller. Means if these distances are smaller and here outer में जो है this distance is what? R. तो अगर आपको जो है सिर्फ इस वाले part का जो है charge find करना हो तो we should integrate it from what? 0 to smaller. तो 0 to R rho into 4πr² dr. अब rho चाहे uniform हो, radial function हो, जो भी हो, वो तो integration में value अपने आप ही change कर जाएगा. And if we have to get, it is for what? Inside the sphere. If we have to get field intensity outside the sphere, so for outside the sphere, the value of charge enclosed will be what? Rho into 4πr² dr. Integration limit should be what? 0 to capital R. The sphere jo hai Gaussian surface ko jo hai sphere se bahar hai na. To agar Gaussian surface ke andar total charge chahiye, to we should take the total charge of what? द स्फेयर इट सेल्फ. तो स्फेयर का लिमिट क्या है? फ्रॉम 0 टू आर. तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे फाइंड करना हो तो क्यू इन की जगह वी हैव टू टेक व्हाट? 0 टू आर. ठीक है, तो इधर मैंने किसके लिए डिस्कस किया था? पॉइंट चार्ज के लिए. और यहाँ किसके लिए डिस्कस किया है? सॉलिड चार्ज स्फेयर के लिए. सॉलिड चार्ज स्फेयर का चार्ज डेंसिटी मे बी यूनिफॉर्म, मे बी द रेडियल फंक्शन. रेडियल फंक्शन का मतलब क्या है? कि चार्ज चेंजेस अकॉर्डिंग टू व्हाट? द रेडियस ऑफ द स्फेयर. तो सी रो, रो में भी यूनिफॉर्म और रो में भी द फंक्शन ऑफ आर. फंक्शन ऑफ व्हाट? इट इज द रेडियल. रेडियल मींस रेडियस के लॉन्ग, रेडियल फंक्शन एफ आर. ठीक है, नोट कर लीजिए. तो अगर कांस्टेंट हो तो एकेडमिक्स के लिए हो गया, वेरिएबल है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. मेंस एडवांस कहीं भी आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. तो ये मैंने सिर्फ डिस्कस किया है किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए. अब एक बार पार्ट बचा है लाइन के लिए एंड सिलेंडर के लिए. इसके बाद लाइन और सिलेंडर पर आते, ये नोट कर लीजिए. स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस क्या है? आर. एंड थिकनेस डी आर. द शेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर.
ये तो याद रखने से भी चलेगा सॉलिड स्फीयर के लिए, इनसाइड जीरो टू स्मॉलर रो फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने। एंड फॉर आउटसाइड द स्फीयर जीरो टू कैपिटल आर, क्योंकि स्फीयर का रेडियस इज व्हाट कैपिटल आर, बाहर वाले के लिए चार्ज ऑफ द स्फीयर वी हैव टू टेक, ठीक है तो उससे ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकते हैं, तो लिमिट जो है वो जीरो टू रेडियस ऑफ द स्फीयर ही होगा। समझ में आ गया ना। नाउ वी हैव टू कम टूवर्ड द लाइन चार्ज। लाइन चार्ज पे आते हैं, सी वी हैव अ लीनियर चार्ज बॉडी ऑफ इन्फाइनाइट लेंथ सपोज, एंड इट हैज गिवन लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, लैम्डा। तो सपोज इट इज द गॉसियन सरफेस, सपोज दिस वन इज व्हाट, इट इज द गॉसियन सरफेस, एंड लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस इज व्हाट वी हैव, एल। इतना ही तो लेंथ विजिबल है ना, तो हमें कौन सा चार्ज लेना है, गॉसियन सरफेस के अंदर या बाहर वाले चार्ज को भी कंसिडर करेंगे, अंदर वाले चार्ज को। तो वी हैव टू कंसिडर ओनली व्हाट, दिस चार्ज, दिस चार्ज वी हैव टू गेट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लैम्डा, इट इज चार्ज इनक्लोज वी हैव टू गेट, कितने लेंथ में है, एल में। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन हियर, इट इज लैम्डा, बस ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो सिंपल है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वी हैव गिवन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कभी, है ना, ठीक है। अब जो है हम आते हैं, ये सब ने नोट कर लिया है, सिलिंड्रिकल पार्ट पे आते हैं। तो स्फेयर इज कंटेंट ऑफ नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल्स, सॉलिड सिलेंडर कैसे बना होगा, सिलिंड्रिकल सेल्स, स्फेयर है स्फेरिकल सेल्स, सिलेंडर है तो सिलिंड्रिकल सेल्स। नाउ वी कम टू व्हाट, सॉलिड सिलेंडर, सपोज इट इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, लेंथ इज सपोज इनफाइनाइट, इट इज इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर, वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द इंटरनल पॉइंट एंड अदर एक्सटर्नल पॉइंट। ये दो पॉइंट्स में हमें फील्ड फाइंड करना है, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो। अब इनसाइड एंड आउटसाइड वाले पे हम वर्क करते हैं। सपोज वी हैव टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस हियर, तो सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, इट विल बी अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सपोज दिस गॉसियन सरफेस इज लेंथ व्हाट, एल। और एक्सटर्नल पॉइंट के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा, वो भी सिलिंड्रिकल होगा। तो वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, ये एक्सटर्नल के लिए हो गया। अब इस वाले के लिए आप कौन सा चार्ज कंसिडर करेंगे, इसके लिए सिर्फ इंटरनल चार्ज होगा ना, तो इस वाले पार्ट में जो चार्ज है दैट वी हैव टू कंसिडर, इट इज व्हाट, क्यू इन। और यहां पे कौन सा चार्ज आपको कंसिडर करना है, इस वाले बाहर वाले को तो लेंगे नहीं, यहीं तक लिमिटेशन होगा ना, तो वी हैव टू कंसिडर ओनली व्हाट, दिस पार्ट। यही वाले सिलेंडर को आप कंसिडर करेंगे ना सिर्फ, तो इसका लिमिट क्या है, जीरो टू कैपिटल आर। और इस वाले के लिए लिमिट क्या है, जीरो टू स्मॉल आर। तो सिलेंडर बना कैसे, इट इज कंटेंट ऑफ नंबर ऑफ थिन सिलिंड्रिकल सेल्स। तो सिंस
सिलेंडर इज कंटेंट ऑफ थिन सिलिंड्रिकल शेल्स हेंस डी क्यू इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी क्या लेंगे रो इंटू डी वी। ये वॉल्यूम किसका लेना होगा आपको शेल का लेना होगा। देखिए ये पार्ट समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ व्हाट एल। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट एल एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट आर। तो वी हैव टू कंसीडर व्हाट अ थिन सिलिंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस व्हाट आर एंड थिकनेस डी आर। यही बताया ना डी आर थिकनेस का और रेडियस आर का एक थिन सिलिंड्रिकल शेल हमने कंसिडर किया। ये है इट इज अ शेल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस व्हाट डी आर। रेडियस वी हैव व्हाट आर एंड थिकनेस क्या है ये डी आर। स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा इसका बताइए। सरफेस एरिया ऑफ द सेल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल सेल इज व्हाट टू पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया इज टू पाई आर एल। एच की जगह क्या है हमारे पास एल और थिकनेस क्या है डी आर। तो एरिया को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया थिकनेस से। स्मॉल वॉल्यूम इज व्हाट टू पाई आर एल डी आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा रो इंटू टू पाई आर एल डी आर। इट इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट स्मॉल चार्ज। अब आपको क्या चाहिए टोटल चार्ज चाहिए। टोटल चार्ज के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो वी कम टू द टू पार्ट्स वन इज इन एंड अदर वन इज व्हाट आउट। हमें हो सकता है फील्ड इनसाइड फाइंड करना हो ये भी हो सकता है फील्ड आउटसाइड फाइंड करना हो। तो वी हैव टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सिलेंडर देन द वैल्यू ऑफ क्यू दैट इज व्हाट इंटीग्रल डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू की जगह वी हैव टू पुट व्हाट टू पाई आर एल डी आर। कहाँ से कहाँ तक जीरो से। अब जो है इसमें दो पार्ट है आइदर रो इज व्हाट कॉन्स्टेंट या तो कॉन्स्टेंट हो और रो में भी द फंक्शन ऑफ व्हाट वेरिएबल हो। जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रहा हो वो भी क्या हो रहा हो चेंज हो रहा हो। इफ वी हैव टू गेट फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर अगर यहाँ फाइंड करना हो तो चार्ज इनक्लोज्ड का तो लिमिट यहीं तक है ना। इससे बाहर तो सिलेंडर है नहीं तो आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक यूज करना होगा जीरो टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो फॉर आउट द आउटसाइड द स्फीयर द वैल्यू ऑफ क्यू इन इट इज इंटीग्रल डी क्यू दैट इज इंटीग्रल रो इंटू टू पाई आर एल डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे जीरो टू कैपिटल नोट कर लीजिए। तो लाइन हो गया एंड सिलेंडर हो गया। वी हैव थिन शीट ऑफ इनफाइनाइट एरिया। थिन शीट का मीनिंग क्या है दिखाइए नोटबुक। थिन शीट थिन चार्ज शीट ये बोथ द साइड्स आर चार्ज्ड। थिक चार्ज सरफेस वन साइड इज विजिबल द अदर साइड इज नॉट विजिबल। जैसे मैंने इस वॉल को चार्ज कर दिया तो वॉल का कौन सा साइड विजिबल है फ्रंट वाला। बैक तो आप व्यू नहीं कर पा रहे हैं ना
ठीक है, तो थिन और थिक में ये डिफरेंस है. थिन में बोथ द साइड्स आर चार्ज्ड एंड इन केस ऑफ थिक चार्ज सरफेस विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ओनली वन सरफेस विल बी चार्ज्ड. ठीक है, तो थिन शीट यू मे कंसिडर बोथ क्यूबॉइड एज वेल एज व्हाट सिलेंडर. प्लेन है, प्लेन का सामने क्या होना चाहिए, प्लेन. तो एक सिलिंड्रिकल प्लेन हमने कंसिडर किया, तो दिस पार्ट ऑफ द प्लेन वी कंसिडर सी. चार्ज डेंसिटी ये रीच सिग्मा. कौन सा आप एरिया को कंसिडर करेंगे, पूरे एरिया को कंसिडर करेंगे या सिर्फ इस वाले एरिया को कंसिडर करेंगे, इस वाले को. गॉसियन सरफेस तो बस इस एरिया से क्रॉस कर रहा है, और गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वही चार्ज हमने कंसिडर करना है. तो सपोज दिस एरिया इज ए, इफ दिस एरिया इज ए, दिस एरिया इज ऑल्सो वट ए, तो वट विल बी द चार्ज इनक्लोज हियर. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई वट एरिया. तो क्यू इन दिस केस इज वट सिंपली सिग्मा इन टू. ठीक है, एंड नाउ वी कंसीडर अ थिक चार्ज सरफेस. Surface having charge density what? Rho. ये solid का charge density है ना, volumetric. It is suppose what? Volume charge density. तो we consider a thick sheet of surface charge density sigma. It has infinite area. एरिया इज इन्फाइनाइट. शीट का एरिया इज व्हाट? इन्फाइनाइट. सपोज शीट इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड. इसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड हमने कंसिडर किया, एंड थिकनेस ऑफ द शीट इज डिफाइंड. इट इज सपोज व्हाट? टी. टी एरिया इज व्हाट? इट इज थिकनेस ऑफ द राइट. नाउ वी इफ वी हैव टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड और आउटसाइड, सपोज इट इज द सेंट्रल एक्सिस. ये शीट का सपोज क्या है? सेंट्रल एक्सिस ऑफ द शीट. नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड द शीट. इनसाइड और एक पी हमने लिया, इट इज व्हाट? आउटसाइड. इट इज आउट एंड इट इज व्हाट? तो वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू व्हाट पॉइंट पी. प्लेन है तो प्लेन का सामने प्लेन होना चाहिए. आप क्यूबॉइड भी ले सकते हैं और क्यूब भी ले सकते हैं, यही है ना. तो यहाँ देखिए क्यूबॉइड भी ले सकते हैं और सिलिंड्रिकल सरफेस भी ले सकते हैं. तो वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू व्हाट पॉइंट? पी. पी पॉइंट से पास कर रहा हूँ. प्लेन का सामने क्या ले लिया हमने? प्लेन. इट इज द गॉसियन सिलेंडर पासिंग थ्रू व्हाट पॉइंट? पी. नाउ व्हाट एरिया वी हैव टू टेक? कौन सा एरिया लेना होगा आपको? वॉल्यूम. सिर्फ ये वाला चार्जिंग क्लोज तो इतने ही पार्ट में है ना. सपोज दिस एरिया इज ए, दिस एरिया इज ए. यहाँ पे भी जो एरिया ये कट कर रहा होगा ये तो सर्कुलर सेक्शन का ही होगा ना, ऐसे. अब हम इनसाइड वाले पे आए, तो यहाँ हमने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया लाइक दिस.
सपोज इट इज एट अ डिस्टेंस व्हाट आर, ऊपर आ रहे हैं तो नीचे भी आप क्या लेंगे आर ही लेंगे, और यहाँ ये थिकनेस क्या था हमारा, इट वॉज टी। तो कौन सा पार्ट को कंसिडर करना है आपने, ये वाले पार्ट को, यही है ना। अब जो है चार्ज निकालना यहाँ काफ़ी इजी है, देखिए यहाँ अगर इस वाले पार्ट के लिए हम चार्ज इनक्लोज्ड कंसिडर करें तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इन, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, सपोज दिस एरिया इज ए एंड दिस एरिया इज ऑल्सो व्हाट ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ए, और थिकनेस क्या है आर प्लस आर, हाइट, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट टू आर, सो हियर द वैल्यू ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड इज व्हाट टू सिग्मा ए इनटू आर। नाउ इफ वी कम टू दिस पार्ट, इस वाले पार्ट में अगर आप देखें चार्ज इनक्लोज्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा, रो इनटू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया है ए, ए इनटू, यहाँ क्या है ये टी, तो वी हैव टू टेक थिकनेस टी, सो इट इज व्हाट क्यू इन इज इक्वल टू रो ए, ठीक है ये नोट कर लीजिए। तो कितने स्टेप्स डिस्कस किए मैंने, दो स्टेप्स, अब ब्रेक के बाद जो है ना थर्ड स्टेप पे आएंगे, थर्ड स्टेप एंड एप्लीकेशंस, तो जो एकेडमिक्स वाला एप्लीकेशन से पूरा आपका कवर हो जाएगा अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो दो लेक्चर्स होगा उसमें जो है हम क्वांटिटी पार्ट पे आ जाएंगे और आईआईटी एडवांस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो भी फ्रेम्ड क्वेश्चंस है उस पर वर्क हो जाएगा। मीन्स गॉस थ्योरम का पास्ट में जो भी क्वेश्चन आया आईआईटी में और जो आएगा कुछ भी आ जाए आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट जो है आपको मिल जाएगा।